देखिए सिर्फ मेरी लाइफ नहीं, पूरे ह्यूमन काइंड के लिए, हम पूरी मानवीय प्रजाति के लिए योगा सिर्फ महत्वपूर्ण नहीं है, योगा बेहद आवश्यक भी है। और हम हिंदुस्तानियों को गर्व होना चाहिए कि 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, ये पूरे विश्व को हमारी भेंट है, हमारी सौगात है। और आज के दिन यहीं सिर्फ हज़ारों लोग नहीं, पूरे देश में नहीं, दुनिया भर में हज़ारों लोग योग कर रहे हैं। योग करते जब भी एक्सरसाइज करते तो अच्छा ही लगता है, क्योंकि पूरी एक प्रक्रिया होती है जो 5,000 साल पुरानी हमारी संस्कृति है, और योग उसकी देन है। अपने ऋषि मुनियों ने, महर्षियों ने अपने वेदों में इसका उल्लेख किया है, तो जिसको हमारी सरकार ने पुनर्जीवित किया है, और पूरे विश्व में सब जगह पे आज योग दिवस मनाया जाता है। तो योग करिए, स्वस्थ रहिए। तो सबसे बड़ी चीज़ हम लोग हाथ से योग करते हैं, क्योंकि मैं स्वयं, आप तो जानते हैं मैं कवि हूँ, मैं तो मेरी ज़िंदगी की बातें जो है वो सब हंसी और व्यंग से जुड़ी है, तो इतना ज़रूर करते हैं कि जहाँ रहें मुस्कुराहट बांटें, और मुस्कुराहट बांटने से बड़ा योग कोई होता नहीं। हम लोगों की ज़िंदगी में योग शब्द के दो अर्थ होते हैं, योग जो योग है युद्ध से बना, योग का मतलब ज़िंदगी में कुछ जोड़ना भी। तो हम लोगों की ज़िंदगी में हंसी जोड़ रहे हैं, मुस्कुराहट जोड़ रहे हैं, और तारक मेहता का उल्टा चश्मा तो आप जानती हैं, 8:30 से 9 बजे तक हम हंसी योग ही करते हैं। आप सभी को, तमाम दर्शकों को 21 जून यानी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मेरी ओर से, यानी शैलेश लोढ़ा की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। योग दिवस, हैप्पी योग दिवस।